अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतिया है। मैं और एक दफ़ा फिर आपके लिए यूके इमिग्रेशन की अपडेट लेके आई हूँ। आज हम जिस वीज़ा के बारे में बात करेंगे वो है मैरिज वीज़ा और फियांसी वीज़ा। अब इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बारी बारी बताऊंगी और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बताती जाऊंगी। मैरिज वीज़ा, अगर आप में यूके में मैरिज करने के पर्पज़ से आना चाहते हैं तो आप मैरिज विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 95 पाउंड है, जैसे कि नॉर्मल 6 मंथ के विजिटर वीज़ा की होती है। लेकिन आप उसमें आने के बाद अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप मैरिज का नोटिस दे सकते हैं और विद इन दिस पीरियड आपने मैरिज को रजिस्टर्ड करवाने के बाद वापस जाना होगा। आप इस वीज़ा को स्विच नहीं करवा सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, इस पर काम नहीं कर सकते और आपका ये इंटेंशन भी नहीं होना चाहिए कि आप इस वीज़ा के 6 मंथ के बाद आप यहाँ पर सेटल होने का कोई प्लान रखते हैं। ये वीज़ा कौन अप्लाई कर सकते हैं? आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप 18 से अबव हैं तो आप ये वीज़ा मैरिज विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए उसका नंबर होता है या आपने उसके साथ कांटेक्ट करने, उसकी रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्री की आपने डेट वगैरह लेनी है और आने के बाद आपने नोटिस वगैरह सर्व करना है। लेकिन आप इस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं करवा सकेंगे और आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हवाले से जैसे ही आपके विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है कि जितने दिन आपने रहना है उसके फंड्स दिखाने हैं, आपने अकोमोडेशन दिखानी है कि आपने कहाँ पर रहना है, उसके अलावा कि आप क्यों वापस जाएंगे इस मैरिज के बाद, क्यों सेटल होना नहीं चाहेंगे, ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स और सारी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले दिखानी है। दूसरे नंबर है फियांसी वीज़ा। ये मैरिज वीज़े की तरह आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी और इस वीज़े को आप स्विच भी करवा सकते हैं। यानी कि आपकी कोई फियांसी है यहाँ पे जो यूके में सेटल पर्सन है, ब्रिटिश है या कोई भी किसी और वीज़ा पर है, तो वो यहाँ आप उसके पार्टनर के हैसियत से आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट में मैं आपको बारी बारी बताती जाऊँगी कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगी, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन हो, आप और आपके जो फियांसी है वो फिजिकली एक दूसरे को मिल चुके हों, आप 18 से अबव हों तो आपके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। मैंने सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स, आप अगर मेरे स्पाउस वीज़ा की जो है वो वीडियो देखें तो तकरीबन सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट हैं वही आपको, वही डॉक्यूमेंट्स वही लगाने हैं जब आपने मैरिज वीज़ा फियांसी वीज़ा अप्लाई करना है। गुड बात ये है कि जब आप 6 महीने का वीज़ा लेकर यहाँ पर आएंगे तो आप इस वीज़ा को स्विच करवा सकते हैं अपनी मैरिज सेरेमनी के बाद उसको 2.5 ईयर्स 30 मंथ के वीज़ा में। यानी कि आपको वापस कंट्री से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आके अगर आप सिर्फ मैरिज वीज़ा पे आएंगे तो आपको शादी करने के बाद बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन फियांसी वीज़ा के आने के बाद आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही इन कंट्री आफ्टर मैरिज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए? आपको फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका होने वाला हस्बैंड या वाइफ है, वो 18,600 की रिक्वायरमेंट को मीट करते हों। अब वो रिक्वायरमेंट कैसे मीट हो सकती है? वो अगर किसी एक एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं तो 6 मंथ की पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट और एक लेटर एम्प्लॉयर से लग सकता है। लेकिन अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो खुद के लिए काम कर रहे हैं या किसी कंपनी है उनकी, उसके डायरेक्टर हैं, तो आपको 1 साल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। यानी कि 1 साल की बैंक स्टेटमेंट कंपनी की भी, पर्सनल भी, उसके अलावा 1 साल का आपको टैक्स रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा और साथ आप एक लेटर अकाउंटेंट से लगा सकते हैं। उसके अलावा भी आपके कंपनी के नाम कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं HMRC से, जो कि आप साथ लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए। सेकेंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप किसी मेजॉरिटी इंग्लिश कंट्री से नहीं है, मेजॉरिटी इंग्लिश कंट्री की जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। वो A1 लेवल का होगा। आप उससे अबव लेवल का भी कर सकते हैं, यानी कि B1 कर सकते हैं, यानी कि आपका अबव तो हो सकता है, उससे बिलो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरे नंबर पर, अगर आप किसी इंग्लिश मेजॉरिटी कंट्री से नहीं है लेकिन आपने कोई डिग्री अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ले रखी है, यानी कि आपने कोई भी सब्जेक्ट में कोई किसी किस्म की मास्टर बैचलर की डिग्री की है,
किसी इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री से, या फिर आपने अपने ही कंट्री से की है लेकिन जो आपकी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, तो आप यूके नेरिक से उसको सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि आपने इस टेस्ट को पास किया हुआ है A1 के ऊपर से, क्योंकि आपकी डिग्री इंग्लिश में है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं कर सकते तो उसके क्या एग्जेम्पशन मौजूद है? जी हाँ, आप को इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अबव 65 ईयर्स ओल्ड हैं, या फिर आपको कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से आपकी आप कभी भी लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज पास करने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए नहीं कि आपने कभी एजुकेशन हासिल ही नहीं की, इसलिए कि आपकी मेडिकल रीज़न है, तो आप फिर भी ये एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, कि आपको कौन से प्रूफ लगाने हैं रिलेशनशिप के। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम स्पाउस वीज़ा में लगाते हैं, ऐसे ही फियांसी वीज़ा में आपको ये दिखाना है कि आप फिज़िकली अपने फियांसी से, आपका मंगेतर जो भी है, आप उससे मिल चुके हैं। आप अगर उसके साथ बातचीत करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कोई और सोशल मीडिया का आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो आपने वो चैट और कॉल हिस्ट्री लगानी है। आपकी अगर एंगेजमेंट इनसाइड यूके या कहीं आउटसाइड यूके हुई है, तो आपने उस एंगेजमेंट की, उस मंगनी की, या वो ट्रिप्स जो आपने अपने फियांसी के साथ किए हुए हैं, आपने उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगानी है। फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, उसके फ़ोटोग्राफ्स लगाने हैं, तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेशनशिप की एविडेंस के तौर पर यूज़ करने हैं कि आप एक सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं और आप अपने फ्यूचर को इकट्ठे देखते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस मैरिज। प्रीवियस पार्टनर्स, यानी कि आप या आप जिससे शादी कर रहे हैं, अगर वो पहले से मैरिड थे लेकिन डिवोर्स हो चुकी है, क्योंकि डिवोर्स के बगैर आप अपनी शादी रजिस्टर नहीं कर सकते यूके लॉ के मुताबिक, तो आपको अगर आप पहले से मैरिड थे और आपकी ये सेकंड मैरिज है, तो आपको पहली जो मैरिज है वो ख़त्म होने का जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह आपके पार्टनर को जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, उनकी अगर पहले शादी हो चुकी है तो उसकी शादी के फिनिश होने के जो भी आपकी डिग्री एब्सोल्यूट है यूके लॉ के मुताबिक, या आप जिस कंट्री से आ रहे हैं उसके मुताबिक जो भी आपकी डिवोर्स की लास्ट फाइनल डिग्री बनती है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि आपका प्रीवियस रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ये तो थी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि आजकल सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो चुकी हैं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, 1643 पाउंड आजकल फीस है, आपने वो पे करनी है। उसके बाद आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उस वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, आपने अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक के लिए बुक करनी है, आपने वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर बाय ईमेल आएगा, आपने वो लेना है, अपना पासपोर्ट लेना है, चेकलिस्ट लेनी है और यूके वीज़ा सेंटर पर जाकर वीज़ा अप्लाई कर देना है। आपके वो फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिशन और रिजल्ट के लिए तैयार होगी। जब आपको यूके का वीज़ा मिल जाए, आप यूके में आ जाएं और आने के बाद हमारे ऑफिस ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अगर आपने हदायत पर अमल किया तो इंशाल्लाह आप अपना वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और यूके में आ जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने इर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।